नमस्ते दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि जिनके बाल बहुत जल्दी ऑयली होते हैं या फिर जिनके बालों में हर अल्टरनेटिव डे साफ़ करने के बाद आप देखोगे बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी ऑयली हो जाता है, तो उसके लिए आप ऐसा कौन सा गलती करते हैं या फिर कौन सी चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं और उससे आपके बाल की टेक्सचर ना ही अच्छी रहेगी, ड्राई रहेगी और उसके साथ साथ ऑयल जो है आपका जो रूट से वो ज़्यादा निकलेगा नहीं और बालों के ऊपर आकर आपके बाल ज़्यादा ऑयली नहीं होंगे और बाल आपके नहीं टूटेंगे, क्योंकि जो ऑयली बाल जो होते हैं वो आपके बालों के रूट के अंदर जो सेबम होता है उसमें से ही ऑयल सिक्रेशन होकर आपके बाल ऑयली तो होते हैं, साथ ही साथ आपके रूट में से बालों के जो ऑयल जो होते हैं वो निकलने की वजह से आपके बाल बहुत जल्दी टूटने लगते हैं। तो उसको आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, पहला है कि अगर आप बालों को बहुत जल्दी जल्दी साफ़ करते हो जैसे एवरी अल्टरनेटिव डे या फिर दो दिन छोड़कर अगर आप उसको साफ़ करते हो, तो जैसे ही आप शैम्पू वगैरह करते हो और अपनी स्काल को जैसे ही मसाज करने लगते हो, बार बार करने की वजह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है स्काल्प के ऊपर वो स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके रूट के अंदर जो सेबम होता है वो ऑयल सिक्रेशन करना शुरू कर देता है, इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली होंगे। बालों को अगर आप 3-4 दिन छोड़ के अगर साफ़ कर रहे हो, पहले तो बहुत जल्दी जल्दी वो ऑयली हो गए, मगर धीरे धीरे बालों को वो चीज़ हो जाएगा कि वो 3-4 दिन में आप देखोगे कि आपके बाल ऑयली हो रहे हैं। जितना आप जल्दी शैम्पू या फिर आप जल्दी जल्दी वॉश करोगे उतना ही आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ऑयली होंगे और टूटने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जितना आप कम टाइम लेकर अगर करोगे तो आपका सिक्रेशन स्टिमुलेशन वो सारे बढ़ जाएंगे, तो आपके बालों के नीचे से आपके जो ऑयल वगैरह वो भी सारे निकल जाएंगे। दूसरा है कि अगर आप जो भी शैम्पू कंडीशनर वगैरह इस्तेमाल करते हो, खास करके गर्मियों में, अवॉइड कीजिए कि मॉइस्चराइजिंग या फिर ज़्यादा क्रीमी वाला शैम्पू या फिर कंडीशनर ना इस्तेमाल करने के लिए। आप माइल्ड शैम्पू कंडीशनर इस्तेमाल कीजिए, मगर आप देखिए कि कंडीशनर में या फिर शैम्पू में आपके एप्पल साइडर विनेगर वगैरह या फिर चारकोल या फिर कुकुम्बर या फिर ग्रीन टी, इस तरह का कंटेंट होना चाहिए या फिर इस तरह का शैम्पू होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके बालों को ना ही साफ़ होंगे अंदर से, बल्कि ये वाले जो चीज़ें होते हैं ये बालों के जो रूट होते हैं उसको ऑयली होने से भी कम करता है, आपके बाल बहुत जल्दी ऑयली नहीं होंगे। तो आप इस तरह के शैम्पू या फिर कंडीशनर देखकर इस्तेमाल कीजिए। आप जब भी बालों को साफ़ करें ध्यान रखें कि आप बालों को जब साफ़ करें तो पानी आपका टैप वाटर या फिर नॉर्मल वाटर होना चाहिए, आप ना ही गर्म पानी ना ही गुनगुना पानी का इस्तेमाल करें, इससे भी आपके बालों में जो ऑयल का सिक्रेशन वो बहुत ज़्यादा होता है और गर्म पानी होने की वजह से आपके बाल ज़्यादा रूखे और टूटने के चांसेस भी ज़्यादा होने लगते हैं। ऑयली बालों में ये भी परेशानी होती है कि आपके रूट में से आपके बाल हाफ लेंथ तक ज़्यादा ऑयली होते हैं और नीचे के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो आप गर्म पानी या फिर गुनगुने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। तीसरा, जब भी आप बालों को साफ़ कीजिए तब आप बालों को साफ़ करने के बाद सबसे एंड में आप 1 मग का पानी ले लीजिए और उसमें 1/2 कप के बराबर एप्पल साइडर विनेगर को मिला दीजिए और उससे आपके बालों को धो लीजिए, और जिसके बाद आप बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल मत कीजिए। एप्पल साइडर विनेगर आपके बालों के जो स्काल्प जो होता है वो अच्छी तरह से साफ़ करने के साथ ही साथ आपके बालों को ऑयली होने से भी रोकता है, या फिर आप 1 ग्लास का पानी ले लीजिए और उसमें आपको 2 नींबू का रस मिला दीजिए और उससे आपके बालों के स्काल्प को अच्छी तरह से धो लीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल ना कीजिए, इससे आपके बालों के जड़ों में से एकदम से तेल जितना भी होगा वो अच्छी तरह से निकल भी जाएगा, आपके स्काल्प अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके बाल बहुत दिनों तक, जैसे आपका अल्टरनेटिव डे बहुत ज़्यादा ऑयली वगैरह होता है तो उस तरह के चांसेस भी कम हो जाएंगे। जितना हो सके आप हेयर ब्रश का इस्तेमाल कम कीजिए, आप अगर हेयर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा अगर आप
बार बार इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपके स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट कर देगा और उसके साथ साथ आपके हेयर के फॉलिकल को भी स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से आपकी ऑयल सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होगी और आपके बाल बहुत जल्दी ऑयली होने शुरू हो जाएंगे। जितना हो सके आप SLS फ्री वाले शैम्पू और पैराबिन फ्री वाले आप कंडीशनर का इस्तेमाल कीजिए, उससे आपके बालों की टेक्सचर वगैरह बहुत ज़्यादा। जब भी आप शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए ध्यान रखिए कि वो SLS फ्री होना चाहिए और कंडीशनर पैराबिन फ्री होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहे हैं और आप बाहर वगैरह कहीं गए हैं या फिर इमिडिएट आपको कहीं जाना पड़ रहा है, तो फिर आप उस दिन आप कोई भी ड्राई शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आप फ्रिक्वेंटली बालों को साफ़ करना बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। और जो ड्राई शैम्पू होता है वो आपके स्काल्प को क्लीन तो कर लेता है, मगर इसको जितना भी हो सके लिमिटेड यूज़ कीजिए, क्योंकि ड्राई शैम्पू आपको अच्छा एक ड्राइनेस तो देता है स्काल्प में, मगर उसके साथ साथ आपके स्काल्प को हल्का सा क्लग भी कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो ऑयल जो है वो ऊपर आ नहीं सकता है। तो जो नॉर्मल जो ऑयल जो होना चाहिए तो वो आ नहीं सकता है। तो आप जब भी ड्राई शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए उसको बार बार मत कीजिए, बस अवॉइड करने के लिए कीजिए, मगर उसके बाद आप एक दो दिन के बाद अच्छे से अपने स्काल्प को साफ़ कर दीजिए, ताकि उसका जो रेसिड्यू है वो अच्छी तरह से निकल जाए, ताकि आप जो ऑयल वगैरह या फिर पैक वगैरह का इस्तेमाल कीजिएगा तो वो आपके रूट तक अच्छी तरह से जा सके। अगर आपके बाल शॉर्ट है तो फिर आपको इतनी परेशानी नहीं होती है, मगर जिनके बाल लंबे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इस केसेस में आप अपने बालों को बांध कर रखिए, आप कोई भी बन या फिर आप ब्रेड वगैरह कर सकते हैं, मगर जब भी आप एसी वगैरह में या फिर पंखे के नीचे आते हैं या फिर रिलैक्स करते हैं, ध्यान रखिए 2-3 बार बालों को जहाँ पर आपने गांठ बांध के रखा हुआ है या फिर आपने रबर में क्लिप में जहाँ पर बांध के रखा हुआ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह होने की वजह से वो जगह जल्दी ही आपका चिपचिपा और बहुत ही गंदा स्मेल वगैरह भी होता है, तो बालों को खोल दिया कीजिए और आधे घंटे तक अच्छी तरह से सूखने दीजिए, फिर उसके बाद फिर से आप उसको टाई अप कर सकते हैं। जब भी आप बालों को साफ करें ध्यान रखें कि आप बालों को जब धोएं तो अच्छी तरह से उसमें से शैम्पू और कंडीशनर का जो रेसिड्यू है वो निकलना चाहिए, ताकि आपका जो स्काल्प वगैरह हो वो ज़्यादा आपको इरिटेट ना करे, वरना इससे आपका स्काल्प क्लॉग भी हो सकता है, उससे आपको इचिनेस भी हो सकता है, और जैसे ही आप उसको ब्रश वगैरह खुजली करोगे तो उससे भी आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन भी आपका बढ़ जाता है और आपके ऑयल सिक्रेशन वगैरह भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब भी आप बालों को साफ करें अच्छी तरह से उसको पानी में अच्छी तरह से आपके स्काल्प वगैरह को धो लिया कीजिए। तो इस तरह से अगर आप ये सारी चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो फिर आपके बाल बहुत जल्दी ऑयली नहीं होंगे और समर में आपके बाल वैसे ही खिले खिले और अच्छी तरह से ड्राई होकर रहेंगे।